पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर मीटू का गंभीर आरोप फिर उजागर। जी हां, पंजाब के मुख्यमंत्री बनने की खुशी के अभी कुछ ही घंटे हुए थे कि चरणजीत सिंह चन्नी को उनका अतीत मुश्किलों में ले आया है। पंजाब कांग्रेस में आंतरिक कलह के बीच मुख्यमंत्री बने चरणजीत सिंह चन्नी के पुराने विवाद फिर सामने आ गए हैं। 3 साल पहले मीटू के गंभीर आरोपों पर चरणजीत सिंह चन्नी एक बार फिर घिर गए हैं और इस बार उन्हें घेरा है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने उनके सीएम बनने को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। रेखा शर्मा ने कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर 2018 के मीटू मूवमेंट के दौरान गंभीर आरोप लगे थे। राज्य महिला आयोग ने तब उन्हें नोटिस भी जारी किया था, यहाँ तक उनकी बर्खास्तगी के लिए धरना तक दिया गया था। रेखा शर्मा ने कहा कि जिस पार्टी की अध्यक्ष एक महिला है, आज उसी ने चरणजीत सिंह को पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए ये बहुत खतरे वाली बात है और उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं है। रेखा शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से चरणजीत सिंह को सीएम पद से हटाने की मांग की है। आपको बता दें कि आज से 3 साल पहले यानी 2018 में चरणजीत सिंह चन्नी पर कथित तौर पर एक महिला आईएएस अधिकारी को गलत मैसेज भेजने के बाद मीटू का आरोप लगा था। हालांकि बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि ये मामला सुलझा लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर भाजपा ने चरणजीत सिंह चन्नी को घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि कांग्रेस ने चरणजीत चन्नी को सीएम पद के लिए चुना, जो कि 3 साल पुराने मीटू मामले में घिर चुके हैं। आरोप है कि उन्होंने साल 2018 में महिला आईएएस अधिकारी को आपत्तिजनक मैसेज भेजे थे। इस मामले को दबाया गया, लेकिन जब पंजाब महिला कमीशन ने नोटिस भेजा तो बात सामने आई। वेल्डन राहुल गांधी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आगे लिखा कि बीते कुछ दिनों में कांग्रेस ने राजस्थान में बिल पास किया है जहां चाइल्ड मैरिज को मान्यता दी है, अब पंजाब में मीटू के आरोपी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब इंतजार कीजिए राहुल गांधी के महिला सशक्तिकरण पर बातें करने पर। आपको बता दें कि भाजपा पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को उनके पुराने विवादों और आरोपों को लेकर घेरने का प्रयास कर रही है। ऐसे में अगर ये मामला और बढ़ता है तो चरणजीत सिंह चन्नी के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए, क्योंकि आपकी राय सबसे अहम है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए VFN न्यूज़।